दुनिया में किसी भी रिकॉर्ड की बात आती हो तो सबसे पहला नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही आता है, चाहे वो मशहूर रिकॉर्ड हो या फिर अजीबोगरीब रिकॉर्ड। लेकिन ये सिलसिला कब शुरू हुआ था? गिनीज बुक को बनाने का आइडिया 1950 के दशक की शुरुआत में आया था। यह आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर हुग बीवर को आया था। वह उस समय एक निशानेबाजी की पार्टी में गए हुए थे। वहाँ पर उनके और उनके दोस्तों के बीच में एक छोटी सी बहस हो गई कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। दोनों ने सारी किताब छांग मारी लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट्स का विचरण हो। काफ़ी सोच विचार करने के बाद 1954 में हुग ने एक और निशानेबाजी की पार्टी रखी और नोरिंस और रॉस नाम के दो जुड़वा भाइयों को इस आइडिया को बताया। दोनों भाइयों को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया। इसके बाद हुग और दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटे से घर में बुक बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कई फैक्ट के बारे में रिसर्च शुरू की। कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने किताब लिखने का काम शुरू किया। तीनों ने एक भी दिन नहीं छोड़े और निरंतर काम करते रहे। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने किताब पूरा किया, फिर बुक को बेचे जाने के लिए तैयार किया गया। 27 अगस्त 1955 को द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ। यह जल्दी ही हिट साबित हुआ। अब यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुस्तक के रूप में जाना जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।